दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो BSSC इंटर लेवल का फॉर्म आया था, उसको फिर से एडिट करके, मतलब जो डॉक्यूमेंट था उसको अपलोड करना था, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि थी उसको सुधारने का भी मौका मिला था, और जिनका कोई डॉक्यूमेंट छूट गया था फिर से डालने का मौका मिला था, तो उसका डेट बढ़ गया है, जो कि 18 फरवरी तक था, उसका अपडेट 18 मार्च तक हो गया है। तो सभी लोग, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं, जितने भी दोस्त हमारा फॉर्म भरे, उस सभी लोग को अनिवार्य है कि अपना डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करना है, जो भी डाले, आप में त्रुटि हो या नहीं हो, लेकिन उसको फिर से अपलोड करना है। तो आप लोग उसको जल्द से जल्द अपलोड कर लीजिए। और बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि BSSC का एग्ज़ाम कब लेगा, मतलब जो इंटर लेवल वाला एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, अब 18 मार्च तो ये खुद हो गया, अभी उसके बाद से स्क्रूटनी होगा, बहुत सारा प्रक्रिया होता है। तो हमको लगता है कि अब चुनाव बाद ही BSSC इंटर लेवल का एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास अभी पर्याप्त मात्रा में समय है, जिससे आप लोग एकदम बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते, क्योंकि आप लोग जानते हैं 12,000+ सीट है। तो 12,000+ सीट बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ तो देखते हैं बिहार दरोगा या कुछ भी हो, उसमें 1200-1300 पोस्ट के लिए लोग लड़ते हैं। तो आप लोग के लिए 12,000 काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। तो उसके लिए आप लोग अभी से अगर निरंतर तैयारी में लगे रहे, तो आप लोग आराम से BSSC इंटर लेवल में कोई अच्छे पोस्ट में आराम से आपका हो जाए, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं उसमें सारे जॉब लगभग अच्छे ही हैं, मतलब जो भी पोस्ट है वो अच्छा है। तो हम आप लोग को बता दें कैसे तैयारी करें। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए ठीक है, जो लोग अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं किए उन लोग को हम बता दें कि अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें प्री और मेंस दो एग्जाम होता है, दोनों का पैटर्न एकदम सेम रहता है, 150 क्वेश्चन रहता है। 150 क्वेश्चन में आपका 50 रीजनिंग रहेगा, 25 मैथ रहेगा, 25 साइंस रहेगा और 50 GK GS रहेगा। तो 150 क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग को जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए वो लोग तो समझ गए होंगे कैसा क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से पूछता है। जो लोग नहीं देखे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देख ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से आपको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद से GK GS के लिए आप लोग जो लोग लूसेंट से तैयारी कर रहे हैं लूसेंट पढ़ लीजिए। अगर लूसेंट आप लोग पढ़ लिए हैं, उसको 5-6 बार पढ़ लिए हैं, तो आपके पास अभी टाइम है, किरण पब्लिकेशन का समान ज्ञान आता है उसको भी पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ मैथ रीजनिंग बहुत ही अहम रोल है इसमें, क्योंकि इसमें 75 मैथ रीजनिंग रहता है। तो अधिकतर जो लड़के अच्छे मैथ रीजनिंग में जिनका होता है वो 70+ ही मारते हैं। तो आप लोग को भी टारगेट रखना है कि अगर मैथ रीजनिंग कमजोर भी हो तो 65+ कम से कम लगाए उसमें। तो उसके लिए क्या करना है कि मैथ रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर से लगाइएगा, उससे पता चल जाएगा। साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का ऑल बिहार एग्जाम, जिसमें मैथ रीजनिंग का 2000 क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन में जितने भी बिहार के एग्जाम हुए हैं, जैसे BSSC हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, BPSC, उसका सारा मैथ रीजनिंग चैप्टर वाइज दिया गया है। तो आप लोग BSSC में जो देखे उसको देख के यहाँ चैप्टर वाइज करिएगा, तो आपको आसानी से मैथ रीजनिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग को क्या करना है कि डेली एक सेट प्रैक्टिस करना है। तो सेट प्रैक्टिस डेली आप एक करिएगा, तो इससे ये फायदा होगा कि आपका जो एक्यूरेसी होगा मैथ एकदम अच्छा हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो अभी जो मार्केट में नया होगा, जिसे किरण पब्लिकेशन का Volume 1 आया था, तो उसके साथ साथ अब Volume 2 आ गया है। Volume 2 जो नया है BSSC इंटर लेवल के लिए, उसको आप लोग लेकर लगाना शुरू कर दिए, जो लोग लगा रहे हैं उसके लिए तो अच्छा है। और साथ ही साथ मैथ रीजनिंग का हो गया, या GK GS साइंस के लिए आप लोग दृष्टि का जो साइंस है क्विक रिवीजन उससे कर सकते हैं, उससे आपका साइंस कवर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही अपना तैयारी करिए। और बहुत सारे हमारे दोस्त पूछ रहे हैं कि बिहार दरोगा का भर्ती कब आएगा, तो बिहार दरोगा का भर्ती ये प्रोसेस चल रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा और जल्द ही आने वाला है। एक हम आपको दिखा देंगे, एक ऑफिशियल आया था जिसमें बिहार दरोगा बिहार पुलिस का जो मतलब सरकार है वो भर्ती लाने की योजना सोच रही है। तो आप लोग बिहार दरोगा के लिए भी अच्छे से अपने तैयारी में लगे रहिए। हम 25 को जो बिहार दरोगा का मेंस हो जाता है, उसके बाद आप लोग के लिए हम नया बैच अपने टेलीग्राम पर लाएंगे, जिसमें आप लोग शुरू से अपना तैयारी कर सकते हैं। बस यही कहना था। जय हिंद।